अगर सोशल चेंज हो गए तो पॉलिटिकल चेंजेस 100% आता। पॉलिटिकल चेंज मतलब क्या है, अभी इससे पहले मायावती मतलब जो तो मतलब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो तो राम मंदिर है ही नहीं, वो तो गौतम बुद्ध का मंदिर था, वो शाक्य नगरी थी, वो राम भीम कोई नहीं, फिर तो मंदिर का क्या अच्छा उद्घाटन, वो तो राजनीति है, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान भड़काया है, ये तो लोग चाहते थे कि सब जन भोजन एकत्र हो जाएंगे तो इनको सत्ता नहीं पाएंगे, इसलिए तो उनका भगवान माँ राम मंदिर देव देवता इनके लिए, इसलिए तो चुनाव में जीतते आते हैं। दर्शकों, तेलंगाना से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले आपको तेलंगाना के सिरपुर इलाके से इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को आप तक पहुँचाया था। इस वक्त तेलंगाना के कुछ लोग हैं, ये बताएं कि आप लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या किस वजह से? हम जय मुलासी साहब, मेरा नाम बी रवि तेजा, मैं तेलंगाना से हूँ, मैं बामसेफ का जो आउटसोर्सिंग है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा से हूँ। मैं इधर आया हूँ कि मेनली जो देश में अभी जो हो रहा है वो कोई भोजन लीडर मतलब जो सोच जैसा मेसराम सार का सोच है, आज का दिन जो भारत में हो रहा है वो मेसराम सार से बिना कोई भी बता नहीं सकते। ओनली द वन एंड ओनली वन लीडर, द मूल निवासी लीडर ओनली मेसराम सार ही बता सकते। तो इधर जो भी सब्जेक्ट रहता है, ये बामसेफ जो संगठन है ये जैसा है यूनिवर्सिटी का जैसा है, इधर का जैसा सब्जेक्ट है वो किधर भी नहीं मिलेगा। बहुत सारा स्कूल्स है, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज है, लेकिन स्कूल्स यूनिवर्सिटी हमारा है, लेकिन उधर जो भी प्रोफेसर्स है जो सब्जेक्ट्स है वो अपना नहीं होता है। इधर जो सच बता सकते हैं, इधर जो मूल्यवासी का सब्जेक्ट बता सकते हैं वो सीखने के लिए हम इतना दूर से इधर आए। अभी पहले बार नहीं है, मैं इससे पहले अधिवेशन को भी आए थे। हम सीख ले रहे, थोड़ा थोड़ा सीख ले रहे, और हैदराबाद में हमारा को मतलब इधर से भी फुल टाइमर है, बहुत सारा लोग समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो कहते हैं ना कि भाषाओं का जो फाउंडेशन होता है, भाषाओं की जो एक सीमा होती है, और अक्सर ये बात कही जाती है कि साउथ के जो लोग हैं वो हिंदी नहीं सीखना चाहते या फिर हिंदी से नफरत करते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये हिंदी सीख रहे हैं और इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपने देश का वास्तविक इतिहास जो है वो समझ पाए। आपको क्या लगता है, हिस्ट्री जो है हमारे देश के लोगों को गलत तरीके से बताई गई है, रॉन्ग हिस्ट्री बताया लोगों को, इसलिए बामसेफ सही हिस्ट्री बताया? 100% 200% अभी जो बामसेफ है, हाँ, इधर का इतिहास किधर भी नहीं मिलेगा, इधर का सब्जेक्ट ऑल ओवर दुनिया में इधर करो या किधर भी करो, हाँ, इधर पूरा जो भी अभी मीडिया है मतलब बाकी का, हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, पूरा ब्राह्मण बनिया का ही अपने को मिलता। जो मूल निवासी का सिद्धांत है, जो हिस्टोरिकल जो भी सब्जेक्ट रहता वो केवल इधर ही मिलता, वो बामसेफ यूनिवर्सिटी में ही मिलता, बामसेफ आदिवासी में ही मिलता। वो जो आज का दिन जो भी हो रहा है वो प्रॉपर वे में अपने को मालूम होना बोले तो वो मेसराम सार का स्पीच सुने तो ही वो मालूम हो जाता है, जब तक कुछ भी मालूम नहीं। एक तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ बामसेफ यूनिवर्सिटी है, आपको लगता है कि ये दोनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वर्सेस बामसेफ यूनिवर्सिटी? हाँ, लेकिन जिताएगा ही बामसेफ यूनिवर्सिटी, जो राइट डायरेक्शन जो भी अपने को वो ना बोले तो वो अपना बामसेफ यूनिवर्सिटी में ही मिलता जी। शायद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहने दो, कौन सा भी यूनिवर्सिटी अपना है लेकिन सब्जेक्ट अपना नहीं होता जी। इधर जो है ये यूनिवर्सिटी अपना है, इधर का प्रोफेसर अपना है, उधर यूनिवर्सिटी अपना है लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अपना नहीं होता जी। इधर जो सब्जेक्ट है ये अपना है। तो अब आपको क्या लगता है कि बामसेफ से क्या चेंजेस आएंगे, कुछ परिवर्तन होगा? 200% चेंजेस आएगा, हमारा को होप है 200% चेंजेस आएगा, अपन देख सकते हैं चेंजेस। कैसा चेंजेस चाहते हैं आप? पॉलिटिकल चेंजेस चाहते हैं, सोशल चेंजेस चाहते हैं, क्या चेंजेस आएगा? अगर सोशल चेंज हो गए तो पॉलिटिकल चेंजेस 100% आता। पॉलिटिकल चेंज मतलब क्या है, अभी इससे पहले मायावती मतलब जो अपना कांचीराम सर मायावती को उधर सीएम बना है, लेकिन सोशल चेंज नहीं आ रहा है। अभी देखो उधर सबसे ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा अट्रासिटीज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उधर पॉलिटिकल चेंज आया लेकिन सोशल चेंज नहीं आया। अगर सोशल चेंज आया तो पॉलिटिकल चेंज आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जी। 200% जल्दी आने का चांसेस है जी।
लेकिन सोशल चेंज लाने के लिए ये जो काम हो रहा है, आपको लगता है कि संगठन के रूप में काम होना चाहिए, लेकिन बामसेप का जो संगठन है वो भी पॉलिटिक्स में आ गया, अब वो भी पॉलिटिकल पार्टी होने जा रहा है, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, अभी सोशल चेंज की जरूरत है? हाँ, सोशल चेंज का जरूरत ही है और पॉलिटिकल चेंज का भी जरूरत है, 200% है। अभी आने वाला चुनाव में 100% हम घेराव करेंगे। हाँ। अभी ये जनवरी 31 को जो इलेक्शन कमिश्नर का है ना, हाँ। वो 5 लाख से ज़्यादा ही लोगों को लेके जाके घेराव करने के लिए कोशिश करेंगे, 100% पॉलिटिकल चेंजेस भी। हाँ। मेश्राम सर से होप है हमारे को पॉलिटिकल चेंजेस आने का भी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ईवीएम हटाए बिना कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, ईवीएम हटाने के लिए ही 31 को हम घेराव करेंगे, उधर मिलेंगे, उधर 31 को कमिश्नरेट को दिल्ली में इलेक्शन घेराव करेंगे यहाँ पर 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी को दर्शकों एक बहुत बड़ा घेराव जो है, एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईवीएम से इस देश का जो वोट है, जो वोट का अधिकार है, वो छीन लिया जा रहा है। तमाम सारे लोग बामसेप के यहाँ पर मौजूद हैं, ये साथी तेलंगाना के आए हुए हैं, इसमें सभी लोग तेलंगाना से हैं। हाँ, तेलंगाना से। आप महाराष्ट्र से? अलग अलग क्षेत्रों से, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया से है। इधर एक मिनी इंडिया है, मूल निवासी राज का मिनी इंडिया इधर है। ये अभी जितना भी अधिवेशन है ना, ये अधिवेशन में आप पूरा देख सकते हैं, इधर एक मिनी इंडिया आपको दिखाएगा। अब उधर बोर्ड भी रहता है कि कौन सा स्टेट का ये अंदर है बोल के, अब उधर बोर्ड भी देख सकते हैं। इतने दूर से आप आए हैं, अपना खुद का खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी नहीं है। नीचे आप अगर देख रहे हैं तो ये इस तरह से पैरा और पुलाव से बिछा कर इस तरह से व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इसमें भी आप गलत बता रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी सुविधा है इधर, आप गलत मत कुछ भी, सबसे अच्छी सुविधा इधर मिलती है, किधर नहीं मिलेगी। ये जो संगठन है बहुत बढ़िया है, संगठन का नाम खराब मत करिए आप। अच्छा, अच्छी सुविधा मिलती है, खाना रहना सोना ये तो इस तरह से नहीं, ये थोड़ा बहुत तो होता रहता है ना, हर जगह भी तुमको एसी नहीं लगा सकते, हर जगह पर नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो हम तो इक्वलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं ना, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, तो हमारा राज्याधिकार भोजन राज्याधिकार इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, पैसा भी देती है, व्यवस्था करती है, वहाँ पर आप ना जाकर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? वहाँ क्या ब्राह्मणवाद का सिद्धांत चलता है, इधर भोजन का सिद्धांत चलता है, जो यहाँ वामन मेश्राम साहब हमारे को जो सिखाए बामसेप यूनिवर्सिटी में, जो हमारे को सिखाई दे रहा है, वो अलग अलग स्टेट में, अभी 48th बामसेप नेशनल कन्वेंशन हो रहा है, ये 48th नेशनल कन्वेंशन एक ही जगह पे नहीं होता है, हर साल हर एक स्टेट में अलग 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 जगह पर होता है, इसीलिए आज नागपुर में ये 48th नेशनल कन्वेंशन हो रहा है। जहाँ ज्यादा सुविधा मिल रही वहाँ नहीं जा रहे हैं, और कम सुविधाओं में आप लोग जा रहे हैं, क्या कारण है इतना? तो वहाँ सुविधा अच्छा रहेगा, इसलिए जहाँ पे सुविधा मिलती है सब चोर लोग बैठे हैं, किसी के ऊपर ईडी लगाना, किसी को और कुछ करना है, इधर से एमएलए उधर तोड़ना है करना, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी का है, सबसे चोर तो भारतीय जनता पार्टी है। जी, तो मतलब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो तो राम मंदिर है ही नहीं, वो तो गौतम बुद्ध का मंदिर था, वो शाक्य नगरी थी, वो राम भी कोई नहीं, फिर तो मंदिर का अच्छा उद्घाटन, वो तो राजनीति है, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान भड़काया है, ये तो लोग चाहते थे कि सब जन भोजन एकत्र हो जाएंगे तो इनको सत्ता नहीं पाएंगे, इसलिए तो उनका भगवान माँ राम मंदिर देव देवता इनके लिए, इसलिए तो चुनाव में जीतते आते हैं, इनका कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू या मुसलमान कोई नहीं इस दुनिया में, उनकी संख्या ज्यादा नहीं, संख्या ईवीएम मशीन का प्रॉब्लम है, इसलिए तो 31 जनवरी को हम ईवीएम मशीन के जो है किसके खिलाफ आयोग के ऊपर हम आक्रमण करने वाले है। तो मतलब ये है कि इस देश को राम मंदिर की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, इस देश को राम मंदिर की जरूरत नहीं, स्कूल चाहिए, अच्छे शिक्षण चाहिए, जो रोजगार बड़े लोग पड़े उनको यूनिवर्सिटी रोजगार कॉलेज होना, हम घटना से क्या ये इंडिया में सदन हुए बताया, बराबर नहीं है इधर सोने के लिए रहने के लिए बताए, लेकिन इसमें हम एडजस्ट होके अभी ये घेराव करने का और अधिवेशन करने का हमारा कुछ आंदोलन है करने का, हम काम में जो कर रहा है बामसेप
वामन मेश्राम सर के नेतृत्व में एक ऐसा करा बोले तो आपको जो बोला कांग्रेस रहने दो बीजेपी रहने दो कौन सा कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी रहने दो उसके पास क्या है ये जो भोजन आइडियोलॉजी पे पैसे कमा के वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके सुविधा पे उसके जो है उसके खिलाफ और जो पार्टी बेस्ड पे कैडर में काम कर रहे हैं जी जी लेकिन ये यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जी 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 वो क्या वो बहुजन आइडियोलॉजी को नीचे करने के लिए ये बहुजन जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों को नीचे करने के लिए उसको आइडियोलॉजी के दाबने के लिए ये जो बीजेपी आरएसएस जो है ये बहुत खतरा में डाल रही है इसीलिए हम ये सुविधा में बाम से जो वामन मेश्राम सर के नेतृत्व में हम इधर ये जो नागपुर स्टेट में आए अलग 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 राज्यों से आए जी तेलंगाना आंध्र प्रदेश गोवा महाराष्ट्र गुजरात झारखंड अलग अलग राज्यों से आए जो हम लड़ेंगे हम बाम से जो वामन मेश्राम सर के नेतृत्व में लड़ रहे हैं ना आज तो आज के तारीख में बिल्कुल ये वामसेव का जो आइडियोलॉजी से आया है बहुजन राज आएगा आप देखेंगे वामन मेश्राम जो दूसरा कांसीराम है बनेगा और ये बहुजन राज्य अधिकार आएगा।